बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाग़ो रमज़ान चॉइसेस में मिसेज हिना आपके साथ शेयर करने जा रही हैं आसान और कम वक्त में तैयार होने वाली नस्ल दर नस्ल आसमुदा खानों की तरक्की। आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, मामूल के मुताबिक माशाल्लाह से आज फिर एक और रेसिपी बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पॉकेट, ठीक है जी। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस तरह से है कि ये 150 ग्राम जो है मेरे पास चिकन है, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास बंद गोभी है 50 ग्राम, शिमला मिर्च है 25 ग्राम, ये ब्रेड है और ये मायोनीज है। ये किस किस तरह से करना है वो जैसे मैं बनाती जाऊंगी मैं आपको बताती भी जाऊंगी साथ साथ, जैसे कि मैं बताती होती हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो है चिकन मैरिनेट करना है, उसके लिए सबसे पहले इसमें मैं 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। मैंने जितनी चीज़ें डाली मैं आपको वही बताती हूँ, माशाल्लाह से इसके हिसाब से बिल्कुल सही बनता है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और एक इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून जो है 1/2 टेबल स्पून जो है वो जाएगा रेड चिली सॉस, ठीक है जी। ये चीज़ें लगा के इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँ। ये जी मेरे पास ब्रेड के 6 स्लाइस हैं, 3 अंडे मैंने फेंट लिए हैं, मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। पहले ये जो है ये देखें डबल रोटी के 2 स्लाइस लेके मैं इसको अंडे में डिप करके दोनों साइडों से इसको मैं पहले फ्राई करूँगी। ये आपके सामने कर रही हूँ, ये साथ ही इसके मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए। देखें जी इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों पे ब्रेड क्रम्स लगा के अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। ये देखें जी दोनों साइड से ये इस तरह फ्राई कर रही हूँ जिस तरह मैं बाकी भी इसी तरह ही फ्राई होंगे। ये गोल्डन करके ज़रा निकाल लें आपने, ठीक है। थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे, अच्छा कलर आ जाएगा। अच्छा जी ये देखिए अब जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना, ज़्यादा नहीं। लें जी ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैंने ऑयल गर्म होने पर डाल दिया, ठीक है। ये देखिए इसके मैंने कितनी छोटी छोटी गोटियाँ की हुई हैं, कितने छोटे छोटे इसके पीस हैं, इसी तरह ही आपने करना है। ये ज़रा ड्राई भी हो जाएगा इसी ऑयल में आपने, इसे चूँकि हमने ब्रेड जो है वो ऑयल में फ्राई की है तो इसलिए हमने जो ऑयल है ना वो ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी। कोशिश करनी है कि थोड़ा सा हो, बस उसी में सारा काम हो जाए हमारा। ये देखें जी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन नरम भी हो जाए, गल भी जाए। लेंगे ये देखें अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे, ठीक है। शिमला मिर्च बाद में शामिल करेंगे, पहले गोभी डाल देंगे कि गोभी ज़रा थोड़ा टाइम देती हूँ। तरीके से मैं बनाती हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती होगी, नहीं लगती तो मुझे नहीं पता। ये अब शिमला मिर्च डाल दी है मैंने। लें जी देखें ये तैयार हो गया है। अब इसको मैं उतार के ठंडा करके तो फिर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये देखिए मिक्सचर ठंडा होने पे अब इसमें मैं मायोनीज जो है वो ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मायोनीज जो है मैंने इसमें डाल दी है, ये इसके लिए इतनी ही काफ़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद क्या करना है
वो भी अभी दिखाती हूँ। पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने इस तरह इसको सैंडविच की शेप पे कटिंग कर ली है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें फिलिंग कैसी होनी है। आपने ये एक स्पून भरना है मेयोनीज के समेत इसके फिलिंग का, और ये जो है आप इसमें डाल के इसको इस तरह से करके आप रख दीजिए। ले जी, ये हमारी जो है रेड पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। ये इसको मैंने फिलिंग करके बड़े अच्छे तरीके से ये आपके सामने पेश कर दी है। तो जो नए चैनल्स पे आने वाले हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।